हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा दिन और हम भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। चलो वहाँ बैठ जाते हैं, चलो वहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ कैसे निकली? अरे प्यार से मार राउंड फिगर है, क्योंकि कुछ टेम्पल 1100 ईयर्स हुए, कुछ 900 ईयर्स हुए, तो बिटवीन लॉक का जो है 1000 ईयर्स। पास हो गए। उनको भरोसा नहीं इसके लिए भी। प्रकाश पटेल सर, ये है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इधर तीन भागों में डिवाइडेशन है, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। तो ये मेन पार्ट है। ये 28 एकड़ 28 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसके अंदर छोटे और बड़े मिला के 11 मंदिर बने हुए हैं। हम बात करेंगे खजुराहो की, कि खजुराहो में टेम्पल्स क्यों बनाए गए, कब और किसके द्वारा बनाए गए। तो खजुराहो के टेम्पल 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बिटवीन में यहाँ पे बनाए गए। चंदेला राजवंश के द्वारा टेम्पल बनाए गए। चंदेला राजवंश कहाँ से आता? तो बनारस के राजा इंद्रजीत थे, उनके दरबार में मंदिर था हेमराज, जिसकी बेटी का नाम था हेमावती। हेमावती बहुत सुंदर थी। पूर्णिमा की रात्रि को कामुकता में व्याकुल होकर के और नदी में स्नान करने के लिए जाती है। आकाश से चंद्रदेव निकलते हैं, सौंदर्यता पे मोहित हो जाते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और उसे अनुराग पूर्वक आलिंगन लेते हैं। ये दोनों का मिलन बराबर चलता रहता है और इन दोनों के मिलन से हेमावती कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको गिल्टी फील होती है, फैमिली को छोड़कर के कालिंजर आई और कालिंजर में उसने शरण भी बनी और वहाँ पर बच्चे को जन्म दिया। तो कालिंजर में 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा का राज था। उस राज के अधीन जब उसने शरण ली और वहाँ पर बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम हुआ चंद्रवर्मन। और चंद्रवर्मन से स्टार्ट होता है चंदेला राजवंश। तो चंद्रवर्मन का नेक नाम था ननोक। जैसे आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो ननोक शब्द भी आपको देखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। चंद्रवर्मन बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद कालिंजर का वो राजा बना। राजा बनने के बाद उसकी शादी होती है सत्यभामा के साथ। तो शादी होने के बाद माँ और पत्नी के साथ खजुराहो की तरफ मूव करता है, क्योंकि खजुराहो की कैपिटल हुआ करती थी कालिंजर। तो जब खजुराहो आता है ये बात, और ये है शिव जी का मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर इसका नाम है। तो सबसे पहले बना मतंगेश्वर मंदिर राजा हर्षवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। उसको कोई बेटा नहीं था राजा हर्षवर्मन। उसने मनोकामना मांगी थी शिव जी से, उसकी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उस मंदिर का जो है निर्माण किया। तो उसके दूसरा मंदिर कृष्ण बना हर्षवर्मन के द्वारा, सामने देखिए इस मंदिर का नाम वराह मंदिर, भगवान विष्णु का तीसरा था। तो व्हाइट बोर्ड की स्थिति इसके अंदर बनी हुई है। कोई भी स्टेचू खजुराहो में नहीं बनाई गई। यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर कालिंजर, वहाँ पर मूर्तियों को बनाया गया, वहाँ से ला करके यहाँ पर सेल्फ असेंबल किया गया है। कोई भी केमिकल या चूने का उपयोग नहीं किया गया, टोटल और इंटरलॉकिंग सिस्टम से बने हुए हैं। तो स्टेचू कोई भी यहाँ पर नहीं बनाई गई, सबकी सब कहीं दूसरी जगह बनाई गई, वहाँ से ला करके यहाँ पर असेंबलिंग किया गया। 674 गॉड एंड गॉडेस एक ही उसके ऊपर बॉडी पर बने हुए हैं। तो ऐसा माना गया कि एक भगवान के दर्शन करने से 674 गॉड और गॉडेस हमें दर्शन करिए ये बताया गया है। दूसरा, आप लोग सभी फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो एक और देखने को मिलेगा। मैं चाहता तो कंदारिया से भी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन सबसे पहले बना मतंगेश्वर मंदिर, लेकिन टोटल ऑफ प्लान पत्थर यूज़ किया गया, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होते हैं थोड़ा सा फायदे रखी नहीं आते, सेकेंड ईयर में जाएगा और थोड़ा सा ये राजा अशोकवर्मन का नेक नाम है लक्ष्मण। तो राजा के नाम के ऊपर ही मंदिर का नाम है लक्ष्मण मंदिर। अच्छी भगवान विष्णु के लिए समर्पित मंदिर है। तो लॉर्ड ऑफ विष्णु के स्टेचू के अंदर देखने को मिलेगी। तीन हेड हैं जिसे विष्णु मिलेंगे, राइट की तब बराह अवतार और लेफ्ट की तब नरसिंह अवतार। तो सबसे इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो विष्णु है वो है वैकुंठ विष्णु, ठीक है ना। भगवान विष्णु का वाहन क्या होता है? गरुड़।
इस साल में देखें तो एक गरुड़ मंदिर बना हुआ था, लेकिन इसका नाम हो गया लक्ष्मी मंदिर, क्योंकि ये डिस्ट्राइक टूटा होने के कारण दोबारा से रिस्टोर किया गया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे पहचाने, ऊपर सीमेंट का या चूने का जो वर्क है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करता है। जरा पीछे मुड़ के देखेंगे जो प्लेन पत्थर मंदिर में यूज किया गया है, या साइड वाले जो गुमजी देखेंगे ये जो बना हुआ है रिस्टोर्ड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 के आसपास रिस्टोर कराया। तो दो तरह से मंदिरों में रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। एक और बात आती है, खजुराहो के मंदिर मूर्ति कला और कला के लिए फेमस है। तो पहली बात तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो खजुराहो के जो मंदिर है यह नागर शैली, तो सिर्फ खजुराहो नहीं ऑल इंडिया में जो देखेंगे तो सेंट्रल ऑफ इंडिया में आपको ये टेम्पल्स देखने को मिलेंगे नागर शैली। नॉर्थ इंडिया, कंबोडिया, म्यांमार में देखें तो यही आपको आर्किटेक्चर, और साउथ इंडिया में जाएंगे तो द्रविड़ियन का स्टाइल क्या है, सीधा टावर नुमा जाएगा और गोपुरम बनता है, और नागर शैली में बनता है शिखर, जैसे पीछे देंगे तो पूरा शिखर बनेगा, नेहरू होगा और कलश बनता है। तो नागर शैली क्या है, व्यक्ति के चार पुरस्वाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके ऊपर मंदिरों का डिफेक्शन है। पहला प्लेटफॉर्म देखेंगे सीढ़ियाँ बनी हुई है, अभी जैसे आप देखते हुए आएंगे तो एलिफेंट हॉर्स बने हुए थे, जिसमें पूरा वॉरियर्स थे जो भी कुछ सीन लगाए गए थे, तो ये टोटल ऑफ स्टूडेंट लाइफ को देखा है। जब हम क्लब से जाएंगे तो कैसे डांस और म्यूजिक की एजुकेशन होती थी, रॉयल फैमिली के स्टूडेंट कैसे पढ़ते थे, सैनिकों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, ये सारा सब कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो पहला पार्ट है स्टूडेंट लाइफ। इसके बाद फिर से जब जाएंगे ऊपर, जहाँ लोग जा रहे हैं ऊपर, जब उसमें राउंड लेंगे तो मिलेगा आपको बेस्ट जीवन का पार्ट, 0 to 25 स्टूडेंट लाइफ, 25 to 50 बेस्ट जीवन। इसमें सारा सब कुछ देखने को मिलेगा जो हम लाइफ में कहते हैं, तो लाइफ साइकिल है। साइंस दर्शन इन मंदिरों में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंदिरों में काम सूत्र फगस भी बनाए गए। तो काम सूत्र फगस क्यों बनाए गए, क्योंकि 9th century में जैनिज्म एंड बौद्धिज्म का प्रचार हो गया, 50% से 60% व्यक्ति व्यस्त जीवन को छोड़कर के वैराग्य को जाते थे, वैराग्य से वापस व्यस्त जीवन में लाने के लिए काम सूत्र के फगस बनाए गए, जिससे कि व्यक्ति देख करके वापस व्यस्त जीवन की तरफ आए। दूसरा, उस टाइम कहते हैं हिंदू धर्म में तांत्रिक योगी ये लोग मानते थे व्यस्त जीवन जीने के बाद भी मोक्ष को जा सकते हैं, ये है संभोग से समाधि को व्यस्त जीवन जीने के बाद भी मोक्ष को दिखाया गया है। तो काम सूत्र को फगस सिर्फ देखने का तरीका है, हम इन मंदिरों को तीन तरह से देख सकते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। पहला नजरिया जब हम काम सूत्र का है तो देखने को मिलेगा कि काम सूत्र, इसी को हम दूसरे नजरिए से जब देखेंगे तो योग एंड तंत्र मिलेगा, मेडिटेशन। और तीसरा नजरिया कैसे हम भगवान की तरफ जाते हैं, ये सब कुछ डिफेक्शन है। तो सिर्फ नजरिया हमारा काम सूत्र का वाकई है ही नहीं, एक तो 5 से 7% कामसूत्र के भगत मिलेंगे, अगर दूसरी नजरिए से देखें तो आपको टोटल ऑफ मेडिटेशन मिलेगा, क्योंकि संभोग से समाधि हम सब कुछ करने के बाद ही हम मुक्ति तक जा सकते हैं। तो काम सूत्र को यदि हम अलग अलग कर दें, काम इस कला, आर्ट, सूत्र इस एडिट जुड़ना, तो कला के साथ इन मंदिरों को किस तरह से जोड़ा गया है वो कामसूत्र के भगत है। दूसरा रीजन क्या है, देखेंगे इस मंदिर के ऊपर कड़क ताला अर्थ कंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन 9th century में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और राजाओं को लगा कि इस तरह से काम ये फगस बनाएंगे कामसूत्र के फगस, जिससे कि इंद्र प्रसन्न होगा और यहाँ पे बिजली नहीं गिरेगी, क्योंकि वर्षा और बादलों से संबंध है इंद्र का, तो ये प्रसन्न होगा, हैप्पीनेस होगा और यहाँ पे बिजली नहीं गिरने देगा, जिससे हमारे मंदिर सुरक्षित रहता है। दूसरा, आकाश बिजली को कहा गया दामिनी, दामिनी इस अविवाहित शादी नहीं होगी, इस तरह से कामसूत्र फगस देखेगी और शर्मा जाएगी, यहाँ पे बिजली नहीं गिरेगी, जिससे हमारे मंदिर सुरक्षित बच जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ इनके ऊपर मंदिरों का कामसूत्र फगस, लेकिन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना और सबके ऊपर जो है अर्थ कंडक्टर लगाए हुए, तो कामसूत्र बनाने का रीजन ये था। दूसरा एक और है, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, तो सेंटर में देखेंगे एक टेंपल देखिएगा और चारों कॉर्नर में 4 सब टेंपल बने हुए, तो नागर शैली उसके अंदर उसकी पंचायती शैली, तो 5 मठ मीन सबका मंदिर, तो 5 मंदिर बनाकर के पंचायती शैली का मंदिर बना हुआ है। तो एक तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, तो सेंटर में एक टेंपल है, चारों कॉर्नर में 4 टेंपल, सेंटर वाला जो टेंपल होगा हमारा लाइफ दर्शन है, साइंस जो है साइंस को दिखाया गया, इसमें एजुकेशन मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी, सब कुछ आप जिस नॉलेज के साथ देख लेंगे वो आपको नॉलेज आपको देगी। जो आप लोग फाइन आर्ट के हैं तो वहाँ पर कलाकृति भी देखने को मिलेगी, जो आर्ट उसके साथ आर्किटेक्चर भी आते हैं तो आर्किटेक्चर भी देखते हैं, तो जिस नजरिए से भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है बराह अवतार, ठीक है ना, बराह का अवतार कृष्ण जी था, हिरणाक्ष ने को मारने के लिए बराह का अवतार होता भगवान विष्णु का, और हिरणाक्ष को क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वो है क्योंकि बीन को हिरणाक्ष ने गंदी जगह छपा के रख दिया था, दांतों के ऊपर निकाल के लेके आया,
ये देखिए आप, यहाँ से संगमरमर स्टोन यूज किया गया है, मोनोलिथिक स्टेचू है। और पृथ्वी देवी को देखेंगे यहाँ पर दांत की पर निकाल के लेके आए, तो यहाँ पर बनेंगे दांत के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे ये बनेंगे। और इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बड़ी सुंदर सी स्टेचू थी जो भू देवी या पृथ्वी देवी से कहा गया है, ये तोड़ दी गई है। एंकलेट पायल और बिछिया पहने दिखाया गया 1100 वर्ष पहले। तो ये दिखाया गया कि फीमेल लोग उस टाइम में इस तरह से पायल और बिछिया पहनते थे। और दूसरा फीमेल की स्टेचू इससे भी पहचान सकते हैं क्योंकि पायल और बिछिया को दिखाया गया। यहाँ पर देखिए तो शेषनाग जी बने तो ये भी तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सेकंड इंकार्नेशन टॉर्टोइस कच्चा पौधा, यहाँ पे कछुआ बना हुआ है ये भी तोड़ दिया गया है। एक पुरुष को यहाँ पर ध्यान मुद्रा में दिखाया गया तो ये भी तोड़ा हुआ है। 9 प्लैनेट्स सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 9 ग्रह। तो देखेंगे 4 स्टेचू ये बनी हुई है इधर, और 4 स्टेचू है राहुल केतु, तो 9 ग्रहों का भी समावेश उस टाइम किया गया था। और उस टाइम जो है इंडिया के अंदर सभी लोग 9 ग्रह जानते थे कि 9 ग्रह हैं। हम आप जो वैज्ञानिकों को मानते हैं कि वैज्ञानिकों ने खोज की है 9 ग्रहों की, उसकी डिस्टेंस किसकी कितनी होनी चाहिए ये हम आज पढ़ रहे हैं। लेकिन इन मंदिरों में 1000 वर्ष पहले भी 9 ग्रह भी दिखाए गए हैं, और कहाँ किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन किसकी परिक्रमा कर रहा है, ये भी मंदिर में देखने को मिलता है। उसी क्रम में इनको सजाया गया है। तो यहाँ पे 9 ग्रह भी देखने को मिलेगी। मधु और केतु का जब कैसे हुआ था, भगवान विष्णु के कानों की मैल से। तो यहाँ पर देखिए कान की पर एक स्टेचू बनी है, और इस साइड में देखिए यहाँ पे बनी हुई तो मधु और केतु जैसे आप देखिए दो पार्ट में बना हुआ है। 100 फीट बना इसमें जो है कितना दिल दिया ये भी अपना आपको एक घंटा तो इसमें लग जाता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन की साइड से साइड में अपने आप लोग करके आगे बाकी किसी मंदिर में आपको बना हुआ मकान टोड़ा उसके कारण यदि एलिफेंट का फेस होता है तो इससे कहते हैं ये मकान टोड़ा है। मगर किसका बांध था, गंगा नदी का बांध था मगर, तो ये है गंगा नदी। देखिए गंगा सरकार में पहले टोटी डाल के देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कहते हैं ये है कि पीछे पानी की जो बन गई, जब मंदिर ज़्यादा एंटर करते तो हमारा मन गंगा के समान पदस्थ होना चाहिए सशक्त होता है। तो जुडिशियल देखा तो हमारा गंगा नदी है, यदि हम उसको उल्टा करें तो मंदिर का साइड है और यूँ तो कहा गवर्नमेंट का जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय। ये देखिए जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, 3 भगवान के प्रिंसिपल गॉड है हिंदू धर्म में, तीनों इस तरह से गेट के ऊपर मिलेंगे तो सारे मंदिरों में मिलेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब ब्रह्मा को कैसे आप पहचानेंगे, तो देखिए 3 हेड है, 4 व्यक्ति जाते थे हंस लिए हुए, कमंडल है, नीचे हंस बना हुआ उनका वाहन, ये है ब्रह्मा। संत चक्रदारी भगवान विष्णु भगवती को दिखाए गए, और ये है महेश विष्णु नाम और कमंडल नीचे नंदी। तो ये जो है ह्यूमन फॉर्म में दिखाई गया है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, और सेंटर में स्थिति किसकी है, भगवान विष्णु। तो ये मंदिर विष्णु या लक्ष्मी के लिए समर्पित है, जिसकी स्टेचू सेंटर में हो उसके लिए मंदिर है डेडिकेशन। इसके बाद देखिए 4 स्टेचू है, और 3 है राहुल केतु, तो 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह सारे मंदिरों के ज्योतिर्लिंग पर स्थित है। ये देख लो, तो ये टेंपल किसके लिए समर्पित था, लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि विष्णु के लिए समर्पित, विष्णु या लक्ष्मी के लिए समर्पित ये मंदिर होगा। यदि शिव का होगा तो शिव या पार्वती। तो इस तरह से पीछे वाले कोने में देखेंगे ये है भगवान सूर्य के लिए टेंपल्स। उस कोने में जाएंगे तो वहाँ पर मिलेंगे गणपति, और सामने शक्ति, शक्ति ब्रह्मा की होगी या फिर शिव की शक्ति, क्योंकि बीच में जो टेंपल है विष्णु पंचायतन, विष्णु भगवान के लिए समर्पित टेंपल है। तो उसके चारों कोने में 4 सब टेंपल इस तरह से व्यवस्था होती है। शिव के लिए समर्पित जो टेंपल होगा तो यहाँ पर पार्वती होंगी, और सामने विष्णु या ब्रह्मा की शक्ति होगी फिर। और सूर्य के लिए यदि सेंटर में टेंपल है तो फिर इनका क्रम चल जाएगा। तो ये विष्णु पंचायतन जो आर्किटेक्ट होती है इस तरह की व्यवस्था अलग अलग मंदिर। फोन पे ये जो है इस तरह से 1000 वर्ष पहले छोटा हनुमी की जनरेशन कहीं ना कहीं इस तरह से प्रयास करना चाहिए। तो खजुराहो के मंदिर क्या है, टोटल ऑफ साइंस दर्शन लाइफ है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरह से मंदिर को देखना पड़ता है। तो आप लोगों सभी को सीख के जाना है मंदिरों से कुछ ना, हम गाइडों की कभी झगड़ा नहीं उतरना। नर्सिंग होता है ठीक है ना, शायद आपको एक दिन आओ तो आपको रिमाइंड करा दें, जब जल ही जल पता चलेगा इसलिए मत खड़ा उठा लो मर्जी का। उसके बाद साइंस में देखेंगे जब भी आप जब सबसे मंगल करना होगा तब या कच्चा का होगा, लेकिन साइंस के अलावा नहीं। साइंस में क्या होता है, सृष्टि की रचना करनी थी तो उन्होंने सबसे हार्ड एडिंग करके जो है कछुआ, क्योंकि जल में भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। ब्रह्मा की जो महत्व की रचना करने के लिए ये सबसे पहले प्रैक्टिस।
जब वो सर्वाइव कर गया जब से बाहर तो उन्होंने क्या कि और आगे सृष्टि कर सकती है। सबसे हार्ड एनिमल है बड़ा सबके कुछ फाइल हो इसलिए हमें शुगर का हम आप आगे शुरुआत से देखिए आए पर ऐसा नहीं है ये तो साइंस अलाउ नहीं। तो जब सर्वाइव कर गया एनिमल सब जो है बड़ा तो उन्होंने कर दिया नर्सिंग होता है हाफ पार्ट ऑफ ह्यूमन के हाफ पार्ट ऑफ एनिमल इसलिए यहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल्स के साथ सारे बंदों की व्यवस्था इस तरह से हुई। इसके बाद जब व्यक्ति आए तो पांचवा अवतार जो है बावन अवतार इसके बाद पर पड़तरा राम की सृष्टि यहाँ पे देखते हैं इसके बाद भगवान गणपति गणेश जी। अब गणपति में आप देखेंगे तो बड़े सुंदर से यहाँ पर गणेश दिखाए गए हैं सिंगल स्टार यूज किया जाए और डांसिंग गणेश यहाँ पर देखें म्यूजिक चला नीचे अष्ट प्रणाम के साथ गणेश जी को इसका सिंह और यहाँ पर देखें गंगा किन्नर दिखाए गए यहाँ पर गणेश जी का फेस भी इधर जा रहा है यदि यही फेस ऐसा करो तो कौन होते यदि नीचे उनकी अलग अलग नीचे की फेस है तो वह पुल्लिंग आपको स्टूडेंट है ज्ञान की प्राप्ति करने तो नीचे एक फोन होगी तो उसकी ज़्यादा शक्ति होगी आपको ज्ञान ऊपर की तरफ होगा तो वह एग्रेसिव होगी।